VSCC 24 News, सच के आगे कोई नहीं। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र ITI कॉलोनी गॉड नगर गबाना हाउस निवासी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह के घर हुई 50 लाख के आभूषणों की चोरी। कई सालों से घर में काम करने वाला नौकर ही निकला चोरी का मास्टरमाइंड। उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के घर से पिछले कुछ दिनों में लाखों रुपए कीमत के जेवरात चोरी हुए। परिवार को चोरी की जानकारी होने पर दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह के पुत्र पार्षद ने घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने घरेलू नौकर सहित 4 लोगों को हिरासत में लेकर चोरी का माल बरामद कर लिया। वहीं दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने बताया कि इसी वर्ष 12 फरवरी को उनकी पत्नी का देहांत हुआ। काफी दिन बाद बीमार रही और उनका दिल्ली एम्स में उपचार चला। उनकी देखरेख में दोनों बेटे वहीं मौजूद रहे। घर में बेटे नरेंद्र प्रताप की पत्नी बच्चों के साथ अकेली रह रही थी। इस दौरान घर में काम करने वाले पुराने नौकर ने उनके घर से लाखों की कीमती जेवरात नकदी आदि सामान चोरी कर लिए। पत्नी के देहांत के बाद चोरी की जानकारी मिली कि उनके नौकर ने लाखों के आभूषण आदि सामान की चोरी की है। इसमें नौकर का साथ उसके 3 दोस्तों ने दिया। इस संबंध में उनके बड़े पुत्र ने तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। क्षेत्र अधिकारी बन्ना देवी राकेश कुमार सिसोदिया ने बताया कि दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के पुत्र द्वारा चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर चोरी का 86% माल बरामद कर लिया गया है। पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है। ऐसा है, मेरे पुत्र ने, बड़े पुत्र ने, पूर्व पार्षद हैं नगर निगम के, उन्होंने FIR दर्ज कराई है। हमारी पत्नी दिसंबर 2023 से बीमार थी और 12 फरवरी को उनका देहावसान हो गया। उसके दरमियान हमारे घरेलू नौकर ने जो घर का जेवर सामान वो सब चुरा लिया। हम लोग बड़े व्यथित थे क्योंकि एक तरफ तो पत्नी चली गई और दूसरी तरफ इसकी वजह से व्यथित थे, लेकिन हमारे बड़े पुत्र ने करीब 1 महीने से लगातार इसका रैकी की। रैकी से पता चला, फिर परसों CO सेकंड हैं सिसोदिया जी, उनसे वार्ता की। इंस्पेक्टर पंकज जी हैं, पंकज मिश्रा हैं, वो दोनों को बुलाया, वो दोनों ले गए और उनसे सारा माल लगभग 70-80% अभी बरामद हुआ है। अभी 20-25% रह गया है। तो घटना तो बहुत दुखद है। अब इसके विषय में क्या तो कहूँ, क्या ना कहूँ। कुल कितने रुपए की ज्वेलरी और कितने रुपए के अनुमानित होगा? अनुमानित पूर्वजों की संपत्ति थी करीब 40-45 लाख। तो अभी 80% पुलिस ने बरामद कर लिया, तो FIR दर्ज हो गई है। नौकर कब से था यहाँ पर? क्या बताऊँ आपको, मुझे खुद ही शर्म आ रही है। दिनांक 9-10-2024 को थाना बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रकरण प्रकाश में आया, जिसमें ITI कॉलोनी के गबाना हाउस गौड़नगर में निवास कर रहे मंत्री जी के बेटे द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि घर में से लगभग 50 लाख की चोरी हो गई है, जिसमें सोने चांदी के आभूषण होना बताया गया तथा संदिग्ध नौकर पर आशंका जताई। सूचना के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, जिसमें 4 अभियुक्त गणों को मैं चोरी के माल सहित गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 90-95% की चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है, जिसकी कीमत करीब 40-45 लाख की होने बताई गई है। शेष सामान की बरामदगी हेतु 3 टीमें प्रयासरत है, विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।